हे फ्रेंड्स, दिस इज अनुपम रॉय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईसीयू के बारे में, मींस इंटेंसिव केयर यूनिट। तो देखते रहिए इस वीडियो में और जानते हैं आखिरकार आईसीयू में ऐसा होता क्या है। तो दोस्तों, आप सभी ने आईसीयू का नाम सुना ही होगा, जरूर सुना होगा। हम अक्सर घबरा जाते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारे कोई रिलेटिव्स आईसीयू में भर्ती हैं। तो ये एग्जैक्टली है क्या? जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम से पता चल रहा है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसका हिंदी में मतलब होता है गहन चिकित्सा केंद्र, ये मरीजों को गहन उपचार प्रदान करता है। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए किसी व्यक्ति का हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है, तो उस पेशेंट को आईसीयू में रेफर कर दिया जाता है। जब मरीज बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे बचाने के लिए आईसीयू में मौजूद सभी उपकरण का ज़रूरत पड़ता है। आईसीयू में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग उपकरण मौजूद होते हैं और इन्हीं सभी उपकरणों का उपयोग करके हम लोग मरीजों को बचा सकते हैं। तो चलिए आईसीयू में मौजूद उपकरणों के बारे में जानते हैं जो हमें मौत के मुंह से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेंटिलेटर की। यह वो मशीन होती है जो तब काम में आती है जब रोगी की यह हालत हो जाती है कि वो सांस भी नहीं ले पाता है। इस स्थिति में वेंटिलेटर के द्वारा एक नली को उसके नाक में लगाया जाता है जिससे वो सांस ले पाए। तो अब बात करते हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस का जरूरत तब पड़ता है जब किडनी का काम करने का पोटेंशियल कम हो जाता है, यानी कि किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है और एज अ रिजल्ट शरीर का पॉइजनस सब्सटेंस बाहर नहीं निकल पाता। तो इस सिचुएशन में हम लोग मशीन्स के हेल्प के थ्रू ब्लड को साफ करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं और प्योरीफाई करके वापस से बॉडी में डाल देते हैं। इट मीन्स जो काम हमारी किडनी का होता है वही सेम काम हम लोग मशीन्स के थ्रू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बैक साइड मॉनिटर्स की। यह वो मशीन है जो हमारे इम्पल्स को दर्शाती है। एक मिनट में जितने बार हमारा हार्ट धड़कता है उसे पल्स कहा जाता है। पल्स खून की गति या प्रवाह को दर्शाता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो मशीन्स के थ्रू हमें पता चल जाता है, जो कि मशीन्स पर रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकता है और उसका लाइफ बेटर हो सके। फ्रेंड्स, इस तरह की काफ़ी सारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स आईसीयू में अवेलेबल होते हैं जिसके कारण हमारा लाइफ संभल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।